लिप्तता दिख रहा है, थोड़ा सा हिम्मत रखनी पड़ेगी, थोड़ी हौसला भी रखना पड़ेगा, क्योंकि इतने दिनों तक विश्वास और इतने दिनों तक बातचीत करने के बाद निश्चित रूप से आपको कुछ दिन प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। मेरा प्रयास होगा, मैं शाम को माननीय विधायक श्रीचंद शर्मा जी से बातचीत करूंगा, उनसे पूछूंगा और उनसे फिर कहूंगा कि दिवाली के दिए जले जरूर। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने सारे फोटो शेयर करके साबित कर दिया, बैठक हो गई है, अभी आपके सामने स्क्रीन पर होंगे एक एक फोटो, एक एक चीज। शाम को मैं बुलाने का प्रयास करूंगा, ये सामने आपको वो तस्वीर, विक्रम सिंह बैठे हुए हैं, सब सीरियल से नेता बैठे हुए हैं, बाकायदा सब अपनी अपनी बात करेंगे, सब बात रखेंगे और फिर बातचीत होगी। निश्चित रूप से एक बातचीत की संभावना अच्छी होनी चाहिए। सामने आपको अभय सिंह जी बैठे दिख रहे हैं, शिव कुमार शुक्ला जी बैठे दिख रहे हैं और उमेश पांडे जी भी बैठे हुए हैं, सुशील यादव बैठे हुए हैं, सभी नेता आपको सामने दिख रहे हैं और ये सारे फोटो बेसिक शिक्षा मंत्री ने रखे हैं, क्योंकि सब अभी सचिवालय में हैं, तो सचिवालय में सामने गुड्डू सिंह भी दिख रहे हैं, तो सचिवालय में जब होते हैं तो बहुत ज्यादा बातचीत होने का चांस नहीं बचता है। सुंदरम जी बैठे हुए हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, महानिदेशक मैडम कंचन वर्मा जी बैठी हुई हैं सामने आपके, इधर और कर्मचारी, सचिव, विशेष सचिव सब मौजूद हैं और एक बड़ी सार्थक ये बातचीत रही है। अब देखना ये होगा इस बातचीत का अगला परिणाम क्या होगा, क्योंकि सारी जो सिस्टम है, सारी कवायद है, इस पूरी कवायद को पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये पूरा प्रस्ताव बनके जाएगा और फिर प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री जी की मोहर लगे, मोहर लगकर रिवर्ट आए। साथी, वर्तमान में आप सभी चिंतित थे कि हाल ही में सरकार के अंदर क्या प्रक्रिया चल रहा है, क्या सरकार कोई कार्यवाहियां कर भी रही है या फिर नहीं, क्या शिक्षा मित्र स्थायी हो भी पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। इन सारी बातों को लेकर हाल ही के अंदर का एक डिबेट है, इस डिबेट को आप देखें, डिबेट के माध्यम से सारी बातें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएंगी कि आखिर क्या क्या प्रक्रियाएँ चल रही हैं, सरकार कौन कौन से प्रक्रिया कर रही है, किन किन बातों पर विचार कर रही है। फिलहाल इस वीडियो की क्लिप को आप पूरा देखें। वापस आए और वापस आने के बाद या फिर मुख्यमंत्री जी वहीं अपने पास प्रस्ताव लेकर बाकायदा ऐलान कर दें, कैबिनेट की बैठक हो, जो प्रस्ताव वो पारित करें वो कैबिनेट में पास हो जाए और आपके अकाउंट में खटाखट पैसे आ जाए, खटाखट, तब मैं समझूंगा कि जो प्रस्ताव बना उस पर मोहर लगी, जो बात बनी उस पर बात आगे बढ़ी। ये सब चीजें बड़ी समझने की और देखने की है। फिलहाल एक बड़ी शानदार बैठक हुई है, मैंने अभय सिंह जी से भी फोन से बात की, वो इस समय सचिवालय में है और शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, उसके बाद मैं प्रयास करूंगा कि शाम को वो प्रोग्राम में रहें। मैं कोशिश करता हूं बैठक में सम्मिलित रही होंगी, देखता हूं और कौन गुड्डू सिंह जी से मैं बातचीत करता हूं, क्या रहा उनका बैठक में जाना और क्या बातचीत है, क्योंकि मैं दर्शकों को चाहता हूं वो सब जानकारी मिलती रहे जो उन्हें जरूरत है। गुड्डू सिंह का थोड़ा नंबर व्यस्त जा रहा है, अगर मेरी बात होती है तो मैं तुरंत अभी आपको उमेंद्र सिंह, बैठक है, बिल्कुल बात मान रहे हैं, आप परेशान हो लेकिन थोड़ा धैर्य बनाए रखें, अब इसका परिणाम का तो इंतजार करना पड़ेगा, परिणाम मेरे हाथ में नहीं है, परिणाम तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही बताएंगे और परिणाम सब कुछ सबको बताना पड़ेगा, क्योंकि परिणाम मेरे हाथ में नहीं है, परिणाम सबका अपना अपना आकलन, अपना अपना अस्तित्व, अपनी अपनी बातचीत अलग अलग है। सूरज कुमार मौर्या जी, मैं बिल्कुल सुन रहा हूं आपकी बात को और आपकी बात को बिल्कुल इंटो समझ रहा हूं,
मेरा प्रयास है कि शुक्ला जी ने बताया कि बैठक एक शानदार माहौल में हो गई और अच्छी बातचीत हुई है। विक्रम सिंह बता के चले गए, एक बार आप जिसे भी पूरा समझना है सुनना है वो दोबारा वीडियो देख सकता है।